स्टार्ट करते हैं। ओम साई राम जय गुरु जी। मेरा नाम दीप्ति है और काफी टाइम से मैं अकर्ट में बहुत सारी मॉडलिटी में प्रैक्टिस कर रही हूँ, और एंजल्स की आज्ञा के अनुसार हम लोग आज एंजल क्लास के अंदर स्टार्ट करने लगे हैं। और ये जो सेशन है आज का, उसके अंदर हम लोग आपके एक्सपीरियंस जानेंगे कि जब से हम लोगों ने, क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट इंट्रोडक्शन दिया था कि एंजल्स हमसे बातें कैसे करती हैं, एंजल्स हमें सिंबल्स कैसे देती हैं। अभी तक आपको ये तो नहीं पता होगा कि उन सिंबल्स का मतलब क्या है, लेकिन एटलीस्ट आप इतना समझने लग गए होंगे कि आपके आसपास एंजल्स प्रेजेंट हैं या नहीं है। आप मेरे साथ कैसे कनेक्ट हुए, और जो पुराने स्टूडेंट हैं ऑलरेडी, उनके पास भी कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस रहा होगा, तो आप मतलब फ्रीली जो भी बोलना चाहें बोल सकते हैं। तो वन बाय वन हम लोग आप लोगों से मिलेंगे। आप लोगों के लिए बहुत सारे नए फ्रेंड्स होंगे यहाँ पे, जिनसे आप फर्स्ट टाइम मिल रहे हो, तो जो सोल प्योर की फैमिली है वो दिन ब दिन बड़ी होती जा रही है। तो थैंक यू सो मच आप लोगों का ट्रस्ट करने के लिए कि आप हम पे इतना ट्रस्ट करते हैं और हमारी फैमिली बढ़ रही है। तो एक छोटे से इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, रूबी जी आप करते जाइए, ये काम तो आप ही का है। हाँ जी मैम, सबसे पहले आशा जी दिख रही हैं बट कैमरा ऑफ है। भाग्यश्री जी हैं नेक्स्ट। भाग्यश्री, ओके, हेलो मैम, नमस्ते। नमस्कार, ओम साईं राम। ओम साई आ, राम। आ, मैम, मुझे एंजल्स के बारे में मैंने सुना है, मुझे इतना आइडिया तो नहीं है, पर मैं मुझे क्यूरियस है कि मैं जानना चाहती हूँ कि एंजल्स क्या होते और कैसे वो हेल्प करते हैं। मैं जब से मैं आप लोगों से जुड़ी हूँ तो काफी कुछ मैंने सीखा है, और आप दोनों को थैंक यू। आप दोनों ने काफी अच्छा, मतलब, और आप बहुत सपोर्टेबल है। जब भी मैं कॉल करती थी आप डेफिनेटली मैं और मेरे लिए, मतलब मेरे लाइफ में मुझे कभी कभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, तो डेफिनेटली अगर मैं ये सीख रही हूँ तो इसमें मुझे कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन निकलेगा, मैं अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकल पाऊंगी। और शायद आज भी मैं थोड़े तकलीफ में ही हूँ, मेरा बैक इश्यूज भी है और मेरे फादर भी सडनली एक्सपायर हुए, तो शायद पता नहीं मुझे, मैं मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था मैं कैसे क्लास ज्वाइन कर पाऊंगी, लेकिन फिर भी पता नहीं, शायद एंजल्स का और आप लोगों का ही कुछ ये होगा कि एंजल उन्होंने मुझे। की ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ बेटा, क्योंकि हाँ क्लास इतनी लेट जानी नहीं थी, लेकिन एंजल्स को पता है कि आप अपने फादर के वहां पे गए हुए थे, दैट इज नॉट पॉसिबल आपके लिए कि ज्वाइन कर पाओगे, और ऑल ऑफ सडन डेट डिले डिले डिले, नहीं तो हमारे शेड्यूल इतना लेट नहीं जाता है। बट एंजल्स को पता है, क्योंकि ये क्लास भी एंजल्स की मर्जी से है, हम लोगों की मर्जी से नहीं है। आप लोग जितने लोग यहाँ प्रेजेंट हैं उन सबके साथ एंजल्स डेफिनेट हैं, बस आप उनको शायद अभी समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन आपके साथ एंजल्स हैं तभी आप यहाँ पे। और रोने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपके फादर भी एक एंजल थे आपके लाइफ में और वो हमेशा आपके साथ प्रेजेंट रहेंगे। आप जब भी उनसे किसी भी तरह की कोई भी हेल्प मांगोगे, एंजल के रूप में वो हमेशा आपके साथ है। देखो बेटा, जाना सभी को है एक दिन, ये हमारा सफर कहीं ना कहीं खत्म जरूर होता है, और परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे, वो जहां भी हो, स्वर्ग में वास हो उनका। रो के उनका मन क्यों दुखाते हो? हमेशा थैंक यू बोला करो पापा को भी अपने, कि पापा थैंक यू, आप हमारी लाइफ में थे, हैं और हमेशा रहेंगे। पता है हम मतलब आज गुरुजी नहीं हैं, लेकिन उन्हें हम लोग बिल्कुल एज ए फादर की तरह मानते हैं, और देखो उनके ना होने के बाद भी हम उनकी प्रेजेंस को हमेशा फील करते हैं कि वो हमारे अंग संग साथ है। ऐसे ही आपके पापा भी एक एंजल है और आपके गुरु हैं, हमारी लाइफ का सबसे बड़ा पहला गुरु होता है हमारा फादर, तो आपके लिए वो हमेशा प्रेजेंट। यस तो रोना बिल्कुल नहीं है, उनको कभी भी दुख नहीं पहुंचाना, क्योंकि बच्चे जब रोते हैं ना तो माँ बाप हमेशा कहीं पर भी हो उन्हें दुखी होता है। यस बोलो थैंक यू पापा। थैंक यू पापा, थैंक यू एंजल्स, थैंक्स। अच्छा ये बताइए, अभी तक मतलब जैसे जब से हमारा एंजल्स, तो कभी कोई सिंबल या कोई इंडिकेशन या कुछ ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपका रहा हो जो आप समझ नहीं पाए, लेकिन हाँ कुछ तो एक्सपीरियंस, कुछ तो फीलिंग है? मैम ओम साई अभी राम। तो मैम, मैम ओम साई राम बेटा। मैम क स्टार्ट होके कितना टाइम हुआ?
शारदा भी बीच में नहीं, बाद में, 1 to 1 आपको समझ में आ जाएगा बच्चे। हाँ जी ओके मैम, मैम, अभी तो पता नहीं, शायद मैं समझी नहीं होगी। जैसे मुझे ना अभी भी क्या बोलते हैं, ये ड्रीम आते हैं, तो वो ड्रीम कुछ ऐसे अलग से होते हैं जिसका कोई मीनिंग होता है, तो मैं भी शायद जैसे आए होंगे तो कुछ ना कुछ होगा, तो मतलब वही ड्रीम मुझे याद रहते जो कुछ उस... आवाज नहीं आ रही भाग्यश्री, आपकी माइक ऑफ हो गया। आप हाँ म्यूट हो गए। हेलो। हाँ अरे जी, मैम, हाँ मैम, मैम फिर से ऑफ हो गया आपका। नाउ शी इज इन पेन। तो हेलो हेलो हाँ जी, हाँ जी, हेलो, हाँ मैम, हाँ मैम, दरअसल मुझे एक ड्रीम, एंजल की परमिशन नहीं है भाग्यश्री को भी बोलने की। मैम इनसे बात नहीं हो पा रही है। हाँ हेलो, कोई बात नहीं भाग्यश्री, हम आपसे बाद में मिलते हैं, ठीक ठीक है? है पहला मैम, ठीक है, बार ओके ड्रॉप हो रहा है। थैंक यू जी, सो मच, थैंक यू सो मच, ओके, थैंक थैंक यू एंजल। यू, थैंक यू। नेक्स्ट इज विनीता कार्की जी। विनीता, विनीता जी राधे राधे मैम, राधे राधे, पर मुझे आप दिख क्यों नहीं रहे? मेरा वीडियो तो ऑन की हूँ मैम, अभी दिखाई दे रहा है मैम? ओके ओके, मैं विनीता मैम शी बोल। इज विजिबल। यस यस यस, विनीता जी ओके मैंने, वेलकम, बहुत बहुत आपका सोल फ्योर के प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि आप एक नया फेस हो हमारे लिए, आप हमारी फैमिली में एड ऑन हो रहे हो। तो रूबी जी और मेरी तरफ से आपका बहुत बहुत वेलकम है कि आपने ट्रस्ट किया, थैंक और थैंक यू यू सो एंजल। मच मैम। और मैं मतलब आप सबको अर्थ एंजल बोलूंगी, क्योंकि आप अर्थ में एंजल हो और एक हमारे डिवाइन एंजल्स होती हैं। तो आप लोग यहाँ बैठे हो तो कहीं ना कहीं एंजल तो हो आप। तो मैं आपसे आपको डिवाइन एंजल नहीं बोलूंगी, लेकिन अर्थ एंजल जरूर बोलूंगी, क्योंकि आप थैंक लोगों यू को थैंक, एंजल ने सेलेक्ट किया है, तो आपने बहुत सारे लोगों के लिए कुछ ना कुछ तो जरूर करना है, तभी आप लोगों को सिलेक्शन हुआ। चलिए बताइए विनीता जी, कैसे आपने क्लास ज्वाइन करी, और कैसे, क्या कुछ भी अपने बारे में, क्या करते हैं, बाय प्रोफेशन क्या है आपका? मैम सॉरी टू इंटरप्ट, आपने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी? हाँ जी, हाँ जी, कर दी बेटा। ओके हाँ जी, एक्चुअली मैम, मैं आपसे मेरी फ्रेंड के थ्रू कनेक्ट हुई हूँ, और अच्छा, उसके बाद आपके बारे में वो बात करती थी, उसके बाद आपके बारे में सुनती थी मैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, और मैंने आपका ये फर्स्ट क्लास अटेंड की, तो मुझे आपसे एकदम पॉजिटिव वाइब्स आया। तो और फिर एंजल के बारे में आप बता रहे थे उस टाइम, तो फिर मुझे जानना था कि एंजल होते क्या है और वो हील कैसे करते हैं। फ्रेंड का नाम बताओ। मैम पिंकी दास अच्छा, आप पिंकी के फ्रेंड। जी मैम, और एंजल्स का कोई एक्सपीरियंस रहा हो आपका? 1 वीक, जैसे हम 10 दिन हो गए हैं हमारे, हमने जो क्लास वो की थी वेबिनार, उसके बाद कुछ भी ऐसा साइन या कुछ सिंबल? जी मैम, ये पिंकी के गाड़ी के पीछे ही एक गाड़ी रहता था और उसका नंबर था 777। ओके ओके वो ओके, हमेशा देखती थी, और फिर हमें उससे आपके क्लास के बाद उसको बताई कि पता है तेरे गाड़ी के पीछे 777 वाला गाड़ी हमेशा रहता था। फिर वो बोलती है मेरे गाड़ी के पीछे रहता था पर मुझे कभी नोटिस नहीं हुआ, तुझे कैसे हुआ? जब भी 777 दिखता है, समझ लीजिए कि आपकी लाइफ के अंदर कुछ बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। आगे हम समझेंगे, लेकिन अभी जैसे ही आपने 777 बोला, तो देखो, या तो मुझे 777 मतलब दिखता है, या कहीं ना कहीं 777 की बात जरूर होती है। मेरा फेवरेट नंबर है ये, और मुझे एंजल्स डिवाइन हमेशा इसी नंबर से ब्लेस करते हैं। तो जब भी किसी की लाइफ में 777 एंटर करता है, तो आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। और इसके लिए अगर आपको ये जी नंबर दिखा है और हमेशा आप देखते हो, तो आप एक काम कीजिएगा, आपके जो बाहर गार्डन, मतलब जहां पे भी प्लांट्स आपने लगाए हुए हैं, वहां पे आप एक वाइट पेपर पे 333 ग्रीन पेन से लिख के उसे टेप कर दीजिए उस प्लांट के ऊपर, और उसके बाद अपने आप मिरेकल होने शुरू हो जाएंगे। 777 ग्रीन पेन से व्हाइट पेपर में देखना है और उसको प्लांट पे स्टिक कर देना हाँ, है। आपको राइट करना है 777 ग्रीन कलर के पेन से।
ठीक है, ओके और उसके बाद उसे प्लांट के ऊपर आपको टेप से टेपिंग कर देनी, ओके ठीक है, आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली चेंज होना शुरू हो जाएगा। कुछ तो ओके है जो आपके आपको सेलेक्ट किया ऊपर वाले ने। अच्छा लगा मैम सुन के, थैंक थैंक यू सो मच बेटा, गॉड ब्लेस यू। यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। पिंकी जी आप क्या करते हो? पिंकी जी नहीं, विनीता। सॉरी मैं तो पिंकी के पास पहुंच गई, नहीं विनीता जी आप कुछ करते हो अभी? वर्किंग हो, कुछ काम करते हो? नहीं 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 अभी नहीं करती हूँ मैम, पहले करती थी। हाउसवाइफ? अब जी मैम, थैंक मेरे को वापिस भेजो। यू बेटा। नेक्स्ट कीर्ति गुप्ता थैंक जी। कीर्ति गुप्ता जी, यू, 1 मिनट। कीर्ति जी, कीर्ति से येलो सुबह सूट में से है, हैंड बात, फ्री में है। आज कीर्ति से सुबह से बात हो रही हमारी मैसेज में, है ना कीर्ति? आप भी न्यू फेस हो हमारी फैमिली के लिए, और रूबी जी और मेरी तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सोल प्योर की फैमिली में ऐड हुए हो। थैंक यू एंजल, आपने मेरे को कीर्ति जी से मिलवाया। और बताएं कीर्ति जी अपने बारे में, कुछ भी बताएं, जो भी आप अभी प्रेजेंटली क्या कर रहे हैं, कैसे एंजल से कनेक्ट हुए, हमसे कैसे कनेक्ट हुए। आवाज नहीं आ रही है। आप हैंड फ्री को रिमूव करके आप बात करिए, तब आवाज आएगी। इन्होंने ना शायद साउंड वो ऐड नहीं किया हुआ। हैंड फ्री को रिमूव कर देंगे ना। हाँ कनेक्ट विद ऑडियो किया है आपने? यस मैम, आ हाँ गई। आ गई आ गई, आवाज आ गई। मेरा नाम प्रीति रहती है, मतलब थोड़ा सा लाउड वेरी बेटा। लो अरे वॉइस, लो वॉइस। मैम, हाँ बस। यस हेलो, हाँ हाँ जी, हाँ जी बेटा। मैम, मेरा नाम प्रीति रहती है और हम लखनऊ से हैं, और मतलब मुझे मेरे फ्रेंड से थ्री आपका मतलब आपके बारे में पता चला। आवाज नहीं आ रही, और शायद मुझे ही नहीं आ रही। नहीं नहीं, बहुत स्लो बोल रहे हैं, आवाज आ नहीं तो रही है लेकिन बहुत स्लो आ रही है। कीर्ति, अपने फ्रेंड का नाम मेरा बताइए जिन्होंने आपको हमारे बारे में बताया। मनोज भैया, मनोज गुप्ता। मनोज गुप्ता। ओके ओके, हाँ जी। तो उनसे ही आपके बारे में पता चला था। और जैसे कि मुझे एंजल नंबर बहुत टाइम से मतलब कहीं भी मतलब जो है मोबाइल में जो टाइमिंग होती है, जो डेटा चलता है उसमें ही मतलब 111 या 421 ऐसे होते हैं, वो चीज जो तो वो चीज मतलब शो होती थी। तो फिर यहाँ पर जब भी हम मतलब एंजल से कोई मानते या कुछ भी होता तो वो चीजें मतलब उस टाइम पे यहाँ से मतलब एंजल प्लीज गाइड करिए कि हाँ मतलब मैं ये कहीं ना करूँ या कुछ भी, तो वो चीजें होती थी। पर ये था कि मतलब उसकी पूरी डिटेल्स की मतलब हाँ कैसे किसी और के लिए भी हम कुछ किया जा सके, या मतलब अपने लिए भी और चीजें जो एक्सप्लेनेशन है कि मतलब किस चीज का मीनिंग क्या होता है उनका, कैसे और उनसे अगर कनेक्ट हो सकते हैं, तो इस वजह से। कभी कोई ऐसा अभी इन दिनों में कोई सिंबल जो आपको कनेक्ट किया हो एंजल का, जो बहुत बार रिपीटिवली 1 वीक से आपके साथ कनेक्टेड हो? मैम एंजल नंबर से ज्यादा तो मुझे शो होते हैं, मतलब वो तो भी कहीं जा रहे होंगे तो कोई दीवार पे दिख गया या गाड़ियों पे दिख गया है, सबसे ज्यादा एंजल नंबर से मुझे शो होते हैं। और इधर भी था मतलब ऐसे छत वगैरह तो उतने फेदर्स नहीं दिखते थे, बट इस समय हाँ फेदर्स कुछ दिख रहे हैं छत वगैरह ले जाने पे। जल्दी हम आपकी क्यूरियोसिटी, आपके जो जो सवाल है उनके जवाब देने के लिए मैं कोशिश करूंगी कि आपके जितने सवाल हो उनके जवाब दे पाऊं। और अगेन वेलकम आपका, थैंक यू एंजल, एंड अगेन थैंक यू अर्थ एंजल। आप ऐसे ही कनेक्टेड रहे और हमेशा नेक्स्ट खुश रहे। थैंक यू बेटा। शिल्पी जी। जी हेलो, नमस्ते मैम। जी, किसी ने लंच नहीं किया मुझे लग मैं रहा है, बिना लंच किए बैठे हैं क्या सारे? आवाज ही नहीं आ रही है। हाँ तो लंच के बाद का टाइम रखा था रूबी जी, इसीलिए कि सबकी आवाज आएगी। आवाज आ रही हूँ मैं।
अब आ रही है। यार यार अच्छा मैं वही कह रही हूँ, सब फास्टिंग पे है क्या? अभी तो सावन शुरू नहीं हुआ, मंडे अभी है पहला, अभी नेक्स्ट वीक में आएगा, अभी से सबकी आवाज गुम है। जी तो मैम एक्चुअली मैं रेकी हीलिंग भी करती हूँ और 1.5 साल का बच्चा है मेरा, तो डिलीवरी के बाद हीलिंग वगैरह मेरी बहुत स्टॉप हो चुकी थी, तो मैंने अभी स्टार्ट किया है रेकी हीलिंग, पर मुझे फील नहीं हो रहा है कि मैं उतना एनर्जी अभी पहले जैसा फील नहीं हो रहा है, और मैं हमेशा एनिमल्स की हीलिंग किया करती थी रेकी के थ्रू, तो अच्छा। और एनिमल्स की सेवा बहुत करती हूँ, तो और एंजल थेरेपी भी मैंने सीखा हुआ है, तो अचानक से जी, तो अभी मुझे फिर मैं जहाँ सीखती हूँ ऑनलाइन कथक सीखती हूँ, तो वहीं पे ये वाला पोस्ट आया था एंजल कोर्स के लिए, तो तब मुझे ऐसा लगा कि एंजल्स मुझे मैसेज दे रहे हैं कि मेरे लिए अभी सबसे सूटेबल हीलिंग जो मोडालिटी है मुझे इसी पे फोकस करना चाहिए और इसी से मतलब मुझे आगे जाना चाहिए, क्योंकि मैं मेरी रेकी हीलिंग अभी दूसरों के लिए उतना पावरफुल अभी नहीं है उस स्टेट में, क्योंकि मेरी बॉडी खुद अभी हीलिंग स्टेट पे है, तो मैं अभी एनिमल्स को ट्राई भी करती हूँ देना तो बहुत एग्जॉस्ट हो जाती हूँ, तो मुझे लगता है ये एंजल्स ने ही मुझे फिर से इशारा दिया कि बिल्कुल, आपको मुझे एंजल ही आपको बुला रही हैं और वो चाहती हैं कि आप दोबारा से, देखो जो हम ब्लेसिंग्स के लिए काम करते हैं ना, उसके लिए हम नहीं आंसरेबल होता है वो ऊपर वाला, वो जी। हमेशा हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा कनेक्ट जरूर करता है, और देखो इंसानों की सेवा तो दुनिया करती है, पर वो जो बिन मतलब जो बोल नहीं सकते उन एनिमल्स की सेवा करना बहुत बड़ा काम करते हो आप सच में अर्थ एंजल हो, और जो डिवाइन एंजल्स हैं वो आपको दोबारा से चाहती हैं कि आप हील होके दोबारा से आप यूनिवर्स के लिए कुछ काम कर पाओ। आई जी होप मैम, सो कि जिस मोटिव से आपने ज्वाइन किया है वो मैं पूरा करा पाऊं, क्योंकि मैं कुछ थैंक करूं ऐसी मेरी मेरी औकात नहीं है, मेरे से भी वो ऊपर वाला कराता है जो जो, वो भी मैं करती हूँ, तो जल्दी ही और आप हमारी फैमिली में भी बिल्कुल नया चेहरा हो, तो आपका भी मैं बतहे दिल से आप लोग का वेलकम करती हूँ, रूबी जी और मेरी तरफ से आप आए हैं, और आगे भी बहुत सारे मॉडलिटी में ऐसे ही ज्वाइन करते रहें और हम लोग अच्छा अच्छा कुछ ना कुछ आपको जरूर डिलीवर करते रहे, तो मिलते हैं आगे, जी और थैंक आई होप यू, सो आपका पर्पस जो है वो हम लोग जरूर सॉल्व कर पाए। ठीक है, थैंक यू थैंक मैम, थैंक यू, थैंक यू अर्थ एंजल, आपका थैंक यू, आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। यू मैम, थैंक यू मैम। नेक्स्ट कुमारी निशा जी। नमस्ते मैम। नमस्ते निशा जी, आप भी एक नया चेहरा है हमारे प्लेटफॉर्म पे, तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सोल प्योर के प्लेटफॉर्म पे, और अर्थ एंजल हैं आप मेरे लिए, तो एंजल ही हैं तभी आप मेरे पास कनेक्टेड हैं, कुछ अपने बारे में बताइए थैंक यू, क्या करते हैं थैंक आप। यू मैम। मैं बोकारो की रहने वाली हूँ और मैं टीचर हूँ, और आप आपसे कनेक्ट होने में सबसे बड़ा हाथ शिल्पी मिस का है, जो अभी अपना इंट्रोडक्शन दिया है जिन्होंने। थैंक यू शिल्पी, जुड़ने का कारण कुछ ऐसा था कि हमारा समर वेकेशन चल रहा था, और मैं नहीं जानती क्यों पूरा समर वेकेशन में मैनिफेस्टेशन, रेकी हीलिंग और इन सब चीजों के बारे में पता नहीं, मुझे यूट्यूब पे वही दिखते थे, मैं वही देखती रही फिर एक छोटे से वीडियो में मैंने देखा था कि अगर आप ये एंजल थेरेपी या फिर रेकी हीलिंग अगर जानना चाहते हैं तो आप अभी इस टाइम पे ये बोलिए, क्या पता आपके लाइफ में वैसा कोई आए जो आपको सस्ते पे ले जाए। और लकीली हमारा एक स्कूल में वर्कशॉप चल रहा था और मैं शिल्पी मिस के साथ बैठी हुई थी, और उनका फोन अचानक से लाइक आया उसमें मैसेज, और रेकी का, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता था कि मेरे आसपास कोई नहीं है वैसा, मुझे नहीं आइडिया था कि शिल्पी मिस भी उसमें है, उनके में बस रेकी का एक ग्रुप मैसेज आया था मुझे दिखा, तो फिर मैंने उनसे डिस्कस किया, उनसे उनका एक्सपीरियंस जाना, और एक्सपीरियंस जानने के बाद मैं ये ज्वाइन किया आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, हीलिंग के लिए, सेल्फ हीलिंग के लिए। बहुत लंबे टाइम से मैं सोच रही थी, इसके पहले भी 2015 में मुझे ये इंडिकेशन मिला था, मतलब किसी ने कोशिश किया था कि मैं उस चीज में जाऊं,
ऐसा हुआ था एक बार, बट उस वक्त मैं बहुत छोटी थी, मैंने इग्नोर कर दिया था। कॉलेज टाइम पे थी तो मैंने इग्नोर कर दिया था उस सिग्नल को। उसके बाद फिर लाइफ में बहुत सारी चीजें होती गई, अच्छी बुरी सब होती गई। फिर अब जाके वो मतलब वो सीरीज मिला जहाँ मैं इस चीज को आगे कंटिन्यू कर सकती हूँ। तो इसमें सबसे बड़ा हाथ छुपे मिसका था। थैंक यू मिस, और थैंक यू टू यू ऑल्सो कि आपने मुझे एक्सेप्ट किया है इस बच्चों ग्रुप में। में आप कौन के मतलब छोटे बच्चों को पढ़ाते हो या कौन कहाँ कोई किस स्टैंडर्ड के बच्चों को? मेरा अभी है 4 to 7 है, 9 10 है, 9 10 के देखिए, भी आप बच्चे हैं। बच्चों के साथ कनेक्टेड हैं, डेफिनेटली एंजल्स चाहती हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो ऑलरेडी अर्थ एंजल हैं, क्योंकि छोटे बच्चे से ज्यादा प्योर कोई नहीं होता और आप उनकी गुरु हैं। तो आपको एंजल्स सेलेक्ट कर रही हैं। कई बार बच्चों के साथ होता है कि हम लोग बच्चों के टच में जब बहुत ज्यादा रहते हैं तो उनको भी हमें एंजल हीलिंग या उनको ब्लेस करना होता है। तो शायद आप एक ब्लेसिंग का माध्यम है, एंजल ने आपको सेलेक्ट किया है और आपका हीलिंग में इतना ज्यादा इंटरेस्ट है। कोशिश करूंगी अपने पास से कि जो मैं दे सकती हूँ उससे ज्यादा ही दे पाऊँ। और मिलते हैं आगे, जो जो आपकी होप्स हैं उस पे हम लोग खरे उतर पाए, ये पूरी कोशिश रहेगी। तो थैंक यू सो मच अर्थ एंजल आपका ज्वाइन करने के लिए, दिल से शुक्रिया बेटा। थैंक यू मैम। नेक्स्ट इज सुचित्रा खंडेलवाल जी। हेलो, सुचित्रा जी से भी सुबह से ओके मैम, नमस्ते। मैम बताएं। मुझे जब से, हाँ मुझे एक तो फेदर्स बहुत मिलते हैं, मैं गार्डन में भी वॉक करने जाती हूँ तो वहां भी मिलते हैं, मंदिर जाती हूँ तो वहां भी, जैसे लास्ट वाली जब मैं सीढ़ी से कदम नीचे रखती हूँ ना, तो ऐसे लगता है जैसे किसी ने मेरे लिए ही वो पंख रखा है वहां पर। कलर बहुत बताओ मिलते हैं, जैसे ब्लैक, कौन से कलर? व्हाइट और एक ग्रेश मिलता है, 3 कलर के हैं, 10 से 12 मैंने मेरे पास रख रखे हैं इकट्ठे करके। और एक, जब अपनी लास्ट क्लास हुई थी तो आपने बताए थे कुछ सिंबल्स मिलते हैं, तो जैसे रात को मेरी नींद खुलती है अचानक तो 1 1 1 हो रहा होता है, 2 2 2 हो रहा होता है, या 3 3 3 आता है टाइम, 4 4 4 आता है, इन चारों में से एक टाइम हो रहा होता है उस समय। तो मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं जानूं ये फेदर्स मुझे क्यों मिलते हैं बार बार, और ये टाइम भी, वो तीनों नंबर सेम क्यों दिखते हैं ऐसे, मैंने इसलिए लास्ट मैंने क्लास ज्वाइन में किया। आप लोगों को बोला था कि आप अपने लिए एंजल से ही सवाल करोगे तो वो जरूर बताएंगे आपको। बताएंगे, हाँ आप उनकी प्रेजेंस को फील करना चाहते हो, आप एंजल से ही बोलो, वो आपको डेफिनेटली फील कराएंगे अपनी मैम। प्रेजेंस, चाहे किसी भी तरह से कराएं, पर एंजल्स का कई बार जैसे मुझे फील होता है, जैसे मैं बैठी हुई होती हूँ ना, तो मुझे लगता है जैसे मेरे पास कोई था, ऐसे निकल के गया है, या मेरे पास कोई है, ऐसा फील होता है मुझे। और वैसे आप बाय कुछ करते हो या घर में ही फैमिली में कौन कौन है? हाउसवाइफ, हाउसवाइफ। हाउसवाइफ और कौन कौन है घर पे? अच्छा, मैं और मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे बाहर है। चलिए थैंक यू सो मच। आप बहुत मतलब जितने भी हमारे वेबिनार्स होते सब हैं सब में आप होते ही हो, मैंने में हमेशा देखा ही है आपको। तो अभी आप क्लास में आपने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है, तो आई हाँ होप जी, कि आपने जो सोचा है उससे ज्यादा लेके जाए यहाँ से। और अर्थ एंजल है आप भी मेरे लिए, थैंक यू सो मच आपने ज्वाइन बस किया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। मैम लाइफ में, लाइफ की जर्नी में ना कहीं एक स्टॉप ऐसा आता है कि उस समय कोई एज नहीं होती, कुछ नहीं होता, कुछ नया सीखने के लिए। तो सीखने मोटिव सिर्फ को, यही होता है पूछने का कि आप किस प्रोफेशन में हो, कैसे यहाँ आना हुआ। तो हाँ ये भी हाँ आपके लिए एक जर्नी है यहाँ से कुछ नया सीखने की, सीखेंगे ये डिवाइन कनेक्ट कर रही है आपको अपने साथ, और डेफिनेटली। एंजल से कनेक्शन मदर आपको बनना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी को हीलिंग पहुंचानी है, क्योंकि मदर के हाथ में यस बहुत सारी कहते हैं ना ब्लेसिंग्स होती हैं, वो अपने हाथ ब्लैक में होती हैं। तो आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी को हील करना है, तभी एंजल आपको सेलेक्ट कर। थैंक यू मैम। नेक्स्ट आशा जी, आशा जी कहाँ गई? आशा जी अब हमारे पुराने बच्चे आ गए, कैसे हो मैम? आधे छुपे हुए हो आधे दिख रहे हो। कैमरा ठीक करो, अभी दिख रहे हैं मैम? अभी दिख रहे तो हो। पहले भी रही थी आधा आधा फेस आ रहा था, आधा। ठीक है कैसे हैं आशा जी ये बताएं। आई मैम, आप कैसे हो? आप कैसे हो मैम? रूबी मैम, दीप्ति एम मैम, ऑल्सो गुड, ऑल ब्लेसिंग है गुड। ऊपर वाले की। आगे बढ़ रहे हो, दिल से बहुत खुशी होती है जब भी आपका कोई स्टेटस या पोस्ट मुझे दिखती है, तो यही निकलता है
गुरु महाराज इस बच्चे को जी बहुत आगे लेके जाना, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम मैं आपसे मिली थी ना, फेस पे एक उदासी थी। मैम, अब आगे बढ़ रहे हो, ऐसे ही आगे ब्लेसिंग्स है बढ़ते मैम रहो, आपका ऐसे ही खुश रहो, आगे बढ़ो, जी सीखते मैम, रहो, सिखाते रहो, और आगे लोगों की लाइफ में चेंज लाते रहो। जी मैम, बताएं आशा जी अपने बारे में, क्योंकि बहुत सारे नए चेहरे हैं, तो बहुत सारे नए फ्रेंड्स आपको मिलने वाले हैं, तो जी अपने मैम, बारे में कुछ बताएं। जी मैम, मेरा नाम आशा है। एक्चुअली मैम से मैं टैरो रीडिंग सीखी हूँ, तो और मैम से न्यूमरोलॉजी क्लासेस थोड़ा सा लाउड, भी, थोड़ा सा लाउड। मैम से मेरा टैरो रीडिंग की सेशन भी हुई है, और मैम के मतलब टैरो रीडिंग कर ही स्टार्ट की मैम ने मेरा जर्नी, और न्यूमरोलॉजी भी हम लोग हेल्थ न्यूमरोलॉजी भी की है रूबी मैम से, वो भी चल रहा है हमारा। मुझे तो और नहीं सुनाई दे रहा, पता नहीं, मेरे को लग रहा है मेरे ईयर में आज कुछ प्रॉब्लम हो गई है। सच्ची बोल रही हूँ, मुझे कुछ भी नहीं सुनाई दिया, बाकी आशा जी ने खाना सब नहीं मैम खाया ज्यादा आज, लाउड आ बाकी रहा है तो मैम, मुझे इको आ रहा है घर पे, नहीं, बहुत मतलब थोड़ी सी स्लो आ रही है वैसे वॉइस। लो वेरी लो वॉइस है, वेरी लो, ठीक है मैम, अभी आ रही है मैम। बस अभी आ रही है, सुनाई देता फिर नहीं सुनाई देता मुझे, थोड़ा सा तेज बोलो। मेरा नाम आशा है, मैंने दीप्ति मैम से टैरो रीडिंग का क्लासेस की, और रूबी मैम से मैं न्यूरोलॉजी का हेल्थ न्यूरोलॉजी का क्लासेस की, और दोनों हम लोग अभी एज ए प्रोफेशन आई एम डूइंग टैरो रीडिंग। एंड अभी मुझे एंजल्स के बारे में, एक्चुअली एंजल्स का मुझे एक्सपीरियंस बहुत पहले हो चुका है मैम, ऑलमोस्ट 1 ईयर पहले एंजल्स ने मुझे एज ए इन ड्रीम, एंजल्स ने मुझे ना मतलब मुझे एक डिवाइन सोल ऐसा, मैं एंजल्स आया मुझे ऐसा क्या बोलते है, कोई हिल्स पे लेके जा रहे, मुझे अच्छा पहाड़ पे एक अच्छा हिल्स पे मुझे लेके जा रहे ऐसा एक ड्रीम आया हुआ था। तब से मैं एंजल्स को मतलब मेरे लाइफ में, मैं डे टू लाइफ में मैं एंजल्स को मानना चालू की, तो एंजल्स का मतलब मुझे वाइब्रेशन कुछ ना कुछ ऐसा, बटरफ्लाइज, फेदर्स, फेदर्स तो रोज मुझे दिखता है, और बटरफ्लाइज भी आजकल तो बटरफ्लाइज बहुत सारे अलग अलग कलर्स में, मतलब डिवाइन ब्लेसिंग्स है। मैं इतना सोचती कि मेरे आजू बाजू मतलब किधर भी जाओ ऐसे, मैं बाहर किधर भी रास्ते में जाते रहेंगे अचानक से बटरफ्लाइज मेरे सामने आते रहते हैं, You are so इतना blessed. बहुत ब्लेसिंग्स मतलब ऐसा लगता है। आशा और जी को एंजल्स यहाँ हमारे प्लेटफॉर्म की तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। आई थिंक थैंक यू आपने अर्निंग भी स्टार्ट कर दी होगी, रीडिंग आप कर रहे हो, जी मैम, और हेल्थ न्यूमरोलॉजी को बीच में ऐड कर रही हो, उसकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है? कर प्रैक्टिस तो हुआ है मैम, फिर भी थोड़ा मतलब रहे हो? इतना आगे जितने ज्यादा डेट ऑफ थोड़ा बर्थ हेल्प लोगे उतना क्लियर होता जाएगा। ग्रुप में डाला करो चीजें, जी अपने मैम, एक्सपीरियंस अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ भी शेयर करो, जी मैम, तो और आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। जी मैम, और टैरो रीडिंग करते हो ना, आपके पास डेट ऑफ बर्थ तो आता ही है, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस यस उस पे करोगे ना, तो जी और मैम, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्लाइंट को आपकी बातें पे और ट्रस्ट होता है। जी मैम, इसके लिए मैंने मतलब स्टार्ट कर लिया थोड़ा हाँ, मतलब, आप चीजों को ना कंबाइन करके फिर प्रिडिक्शंस निकाला करो, जी मैम, तो और अच्छी निकले। क्लाइंट जी मैम, को नहीं भी पता तब भी आपको डेट ऑफ बर्थ तो दिख ही रही है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ बोलती है अपने आप में। फिर उसके बाद अपने मन से क्वेश्चन पूछा करो टैरो से, टैरो आपको उसका भी आंसर देगा। तो जैसे जैसे चीजों को कनेक्ट करना शुरू करोगे ना, वैसे वैसे क्लैरिटी मिलती है आपको, ठीक है। न्यूमरोलॉजी में जो कॉम्बिनेशन बन के आएंगे कार्ड, आपको वैसे ही कॉम्बिनेशन देगा, देता आंसर होगा, क्योंकि सेम, एनर्जीज मैच करती जी है। मैम, आप जब सेम कार्ड आंसर्स उठाओगे आते ना, हैं आपको मिलेगी उसके आंसर कहीं ना। जी मैम, बाकी चलिए, गॉड थैंक यू ब्लेस सो यू, मच मैम, एंजल आपके साथ हैं, और यू आर ऑल्सो एक, क्योंकि हम जिस प्रोफेशन में है ना, एक्चुअल में हम डिवाइन से कनेक्टेड उस प्रोफाइल में हैं, हमारा प्रोफेशन ऐसा है। आगे बढ़ो और लोगों की हेल्प करो, और अपने लिए भी खुशियां बटोरो बहुत सारी, क्योंकि पैसों से भी ना लोग ब्लेसिंग्स नहीं ले पाते, और आप जी किसी मैम, की लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हो, ये ही बहुत बड़ी वही ब्लेसिंग। ब्लेसिंग्स बहुत बड़ी है। थैंक गॉड ब्लेस यू। यू मैम, नेक्स्ट थैंक यू, वंदीप। सत सत श्रीकाल मैम, सत श्रीकाल रूबी मैम, आप कैसे श्रीकाल जी, हो? बढ़िया आवाज, करारी आवाज, कहाँ है वो? गुड भाई, आई एम ऑल्सो जी गुड, दोनों हेलो ही एवरीवन, बूस्ट कर रहा था मैं। लुधियाना। मैं मैम की, मैम से लास्ट 2-3 ईयर्स से कनेक्टेड हूँ, राइट मैम? कितना टाइम तो हो ही गया। जी मैम, होप सो। तो
मैम से मैंने बहुत कुछ सीखा है, मैम से मैं यहाँ से यहाँ पहुंची, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बिल्ट हुआ है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव आपके लिए। सेम टू यू। और रूबी मैम आपके लिए भी, क्योंकि अब जो ये मैंने वैदिक न्यूरोलॉजी सीखी है ना, वो मेरी बहुत हेल्प करती है बहुत चीजों में। थैंक यू मैम, दिल से थैंक्स। ग्रेट वो लगती हैं ग्रेट, चीजें, और जैसे जैसे आगे चीजों को कनेक्ट करना सीखोगे ना, एक्सपीरियंस से बहुत सारी चीजें आती हैं, तो हाँ आपका जी, हाँ कॉन्फिडेंस वैसे ही बढ़ता चला जाएगा चीजों को कनेक्ट करना। हाँ जी मैम, हाँ जी। और मैंने मैम से टैरो रीडिंग का कोर्स किया है, वैदिक न्यूमरोलॉजी किया है, अभी मैं एंजल वाला कर रही हूँ। तो अभी मैम नेक्स्ट वैदिक कंटिन्यू कर देना, स्टार्ट साथ ही में मैं क्या वैदिक बोलूँ, सारे रूबी मैम को बोलो कि मैम आगे का सिखा दो, आधा रख सीखा है हमने, पूरा सिखा हाँ दो। डेफिनेटली कंप्लीट करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स बीच में थे, प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे, तो इस वजह से हमने थोड़ा सा इसको ना टाइम टेकिंग कर दिया, एक टाइम दिया आप लोगों को, इस पे अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ताकि जो आगे आने वाली कैलकुलेशंस हैं वो थोड़ी सी अलग है, तो मिक्स ओके ना हो जाए, मैम, ठीक इसलिए है मैम, इसको पक्का कर लो। करेंगे ठीक है मैम, डेफिनेटली, आगे का भी करेंगे, कंप्लीट करेंगे उसको। हाँ जी मैम, कंप्लीट करवाओ सारा, मतलब हमने वहां भी परफेक्ट। देखना है ना किसकी शादी कब होगी, न्यूमरोलॉजी से चाइल्ड बर्थ कब होगा, बहुत सारे ऐसे ओके, क्वेश्चन आते हैं जहां पे हम कंफ्यूज होते हैं। सिर्फ और हेल्थ सारे ही नहीं है, हमें क्वेश्चन यही वेल्थ भी होते चेक हैं, करनी शादी है, जॉब कब कब होगी, लगेगी। गर्लफ्रेंड चली गई, वापस कब आएगी। मेरे यस क्वेश्चंस होते यस हैं। यस अभी यस यस, एक्सपीरियंस फर्स्ट बेबी कर, बॉय होगा, गर्ल होगी, एंड मैनी सो मैनी थिंग्स, हाँ जी मैम, हाँ जी। बहुत कुछ तो है मतलब सीखने के लिए। अभी हाँ सिर्फ जी, आपको एक डेमो क्लास थी ये, और इसकी प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे, क्योंकि मुझे लग रहा था यहाँ पे काफी बच्चे कंफ्यूज थे कैलकुलेशंस को लेके। जब हम आगे सीखते हैं ना प्रत्यंतर दशा एंड और दशाएं, तो वो थोड़ी सी कैलकुलेशन उनके टफ है, तो आप ओके इसको मैम, अच्छे से घोल के पी जाओ, ताकि हम आगे बढ़ पाए, ठीक है बल्कि मैम, पिछले स्पेशली क्वेश्चन ना रहे। आगे बढ़ रहे हो, पॉइंट्स वगैरह लेने शुरू किए हैं। हाँ जी मैम, हाँ जी, अभी आपकी बहुत मम्मा ब्लश कैसी है अभी? सच में, आपको मेरा ब्लश नहीं दिखता मैम, देखो मैं कितनी खुश हूँ। आपकी ठीक मम्मा कैसी है? मम्मा आपकी क्या, है मैम, अभी काफी ठीक है, काफी ठीक है, बहुत थैंक। आपकी रेमेडीज काम करी यस करी ना? मैम, वो आपने एक कैंसर पेशेंट्स वाली दी थी, वो भी मेरी बहुत बेस्ट बेस्ट, बस ठीक है, ठीक है। गॉड अब ब्लेस। एक चीज और बोलूंगी, कैंसर पेशेंट वाली जो रेमेडी दी थी ना वंदीप, उसको फ्री में देना शुरू कर दो। अगर कोई ऐसा मिलता है नीडी, उसको फ्री में देना शुरू कर दो, उसका ठीक है चार्ज मैम, मत करना, ठीक है ठीक है? मैम, डन। नहीं मैम, कोई फ्री ऑफ कॉस्ट ही देख देती हूँ, ऐसा नहीं, मैं हर देखो एक से कुछ नहीं ले। चीजें ना ऐसी हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं ये साइंसेज में। अभी ऐसा होता है कि हेल्थ के लिए मैंने आपको बोला था एनर्जी एक्सचेंज मस्ट है, मस्ट है, हाँ जी, क्योंकि कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं, एनर्जी पर्सन की कैसी है, आपको बैकफायर ना करे, उसकी नेगेटिव एनर्जी हो सकती है। बट कैंसर पेशेंट के लिए ना, यहाँ पे जिस जो मेरे भी गुरु हैं, ऐसा नहीं है ये चीजें मैंने खुद बनाई हैं, तो मेरे गुरुओं ने भी मुझे आगे ये ऑर्डर कर दिया कि जिसको भी दे दोगे, क्योंकि मैंने आप लोगों को ये बोला था कि एनर्जी एक्सचेंज लिया करो, बट कैंसर रेमेडी आप किसी को भी फ्री में दो, ओके मैम, किसी को। ओके, ठीक मैम है मैम, वो गौमूत्र वाली ना, गौमूत्र या वाली हाँ आपने मुझे, या अच्छा ठीक है, ठीक है, बहुत शिद्दत से करे, जो भी करे, और बहुत डेफिनेटली उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, ठीक है ठीक है? मैम, चलिए, ठीक है, ठीक, थैंक यू जय गुरु जी, मैम, गॉड थैंक यू, ब्लेस ठीक बेटा। नेक्स्ट शालिनी जी, शालिनी जी, मैम आप म्यूट हो, प्लीज अनम्यूट। हाँ जी, राधे 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 जी, जी, राधे राधे जी, राधे जी, आपका भी राधे नया राधे, चेहरा है, आपको बहुत सारे फ्रेंड्स मिल रहे हैं यहाँ पे, एक हम हाँ छोटी सी जी, फैमिली में स्लो, आपके यहाँ बहुत बहुत स्वागत है सोल प्योर के प्लेटफॉर्म पे। और आप अपने धन्यवाद। फ्रेंड्स कुछ बताएं, अपना इंट्रोडक्शन दें, कैसे एंजल्स के आपके साथ कनेक्शन बना। देखिए, मेरा नाम है शालिनी गुप्ता और मैं हाउस मेकर ही हूँ। बट जब आपका वो आपने डाला कि ये एंजल्स का आप डाल रहे हो वीडियो, मतलब क्लास करने वाले हो, देन मैंने उस दिन भी बोला था कि आपने 8 15 या 14 लिखा था, एंड आई डोज्ड ऑफ वॉचिंग टीवी, मेरे को सडनली मेरी नींद खुलती है, वो 8 13 ही होता है, मैंने कहा इस टाइम कुछ था, देन स्ट्राइक हो कि अरे आपकी क्लास थी तो, और आपने जैसे कनेक्ट किया, जैसे आपने एंजल्स बताए,
कि वो हमारे पास होते हैं बट हम उनसे पूछते नहीं है, उनको बोलते नहीं है, उनको कभी भी ना कॉल नहीं करते लाइक तो वो मुझे ना बड़ा क्लिक किया वो वाली चीज की, बिकॉज आई एम करेंटली गोइंग थ्रू अ काफी बड़ी हैवी क्राइसिस कैन यू कैन से, तो मतलब लगा कि वो बड़ा सूदिंग लगा सुन के ना कि हाँ एक कोई है जो हमें देख रहा है, हमारे पास है जिससे हम कुछ कह सकते हैं, मतलब मोर देन आर पेरेंट्स लाइक माई पेरेंट्स आर नो मोर, तो ना एक वो बड़ा वो वॉइड सा लग रहा था कि आप किससे जाके अपने मन की बात कह सकते हैं जिससे आप रिलेट कर सकते हैं, तो उस दिन वो बड़ा कनेक्शन हुआ। और मुझे भी नंबर्स दिखते हैं जैसे अभी जस्ट अभी थोड़ी देर पहले वो 333 नजर आया, कभी कोई 1111 नजर आ जाता है, कभी लाइक कभी 555 नजर आ जाता है कभी, तो ये वाली चीजें दिखती रहती हैं, तो आई वॉन्टेड टू गेट द आंसर्स, मतलब कुछ है कोई हमें कोई बताने की शायद कोशिश कर रहा है, हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं, तो तभी आपने उसमें उस दिन सब एक्सप्लेन किया, तो आई रियली मतलब फेल फॉर इट लाइक गॉट जैसे अट्रैक्ट हो गई मैं उसके लिए ना बहुत ज्यादा। चालीस घर में कौन कौन है आपकी फैमिली? मेरी मैं हस्बैंड है, माई ओनली सन इज देयर। कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली दिल्ली में कहाँ से? पीतमपुरा एरिया। हाँ जी देखिए जो मैंने आपको उस दिन बोला था ना वो एक्चुअल हाँ में ऐसा ही होता है, हमें कोई हमेशा देखता रहता है, अभी भी हम जहाँ बैठे हैं हमारे आसपास डेफिनेटली एंजल है और वो सुन रही है, और जितनी बार भी हम उन्हें जब थैंक यू एंजल बोलते हैं ना वो स्माइल कर, उनको भी ओके जैसे हमें हमें भी चाहिए होता है ना कुछ एक प्यार चाहिए होता है, ऐसे एंजल्स को भी प्यार चाहिए यस होता है, वो सिर्फ हमारे थैंक यू बोलने से ही खुश हो जाती है, और हमेशा एंजल हमें हेल्प करना चाहती हैं, बट सिर्फ इतना ही होता है कि हम वो वेट करती है कि हम उन्हें आवाज दें, हम उन्हें बोलें, वो जैसे वही चीज मैम बड़ी कनेक्ट करी कि भाई कोई है जो हमें देख रहा है बट हम ही नहीं उनको समझ पा रहे, तो और मतलब आई रियली वांटेड समवन समबडी टू लुक आफ्टर, मतलब हु इज लुकिंग आफ्टर बट आई कैन कम्युनिकेट विद हिम विद इट आल्सो, तो वो चीज मुझे बहुत रिलेट करी एक्चुअली में। हम इस यहाँ पे बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ जानेंगे, और आपका बहुत बहुत वेलकम है, आपको एंजल्स ने सेलेक्ट किया है, तो कहीं ना कहीं आप मतलब उनको थैंक यू बोलिए, क्योंकि यहाँ पे मेरा रोल नहीं, यहाँ पे सब रोल एंजल्स का ही है, तो थैंक थैंक यू एंजल्स, यू अर्थ एंजल, आपने थैंक थैंक यू सो मच। यू सो मच, थैंक यू मैम, आपने आप लोगों से कनेक्ट कराया आपके एंजल ने, थैंक यू सो मच। मैम नेक्स्ट थ्री फेसेस हैं जो बैक ऑफ कैमरा हैं, तो बात कर सकते हैं उनसे, तो एक बार आप उनको बोलो, शारदा मेघा जी जी, कैमरा सुगंधा ऑन जी, कर शारदा दीजिए, जी, मेघा जी पॉसिबल है आपके लिए कैमरा ऑन करना? मेघा कैसे हो मेघा आप? कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ मैम, शारदा शारदा जी ने कैमरा ऑन कर लिया, शारदा जी को ले लेते हैं। तो इसलिए मेघा शायद जी का भी दिख रहा मैम। है वो ओम भी। साई राम मैम, ओम साई राम रूपी जी, ओम साई राम, बहुत दिन हो गया बात करके। देखो बहुत दिन हो गए, टैरो के कब बाद अब जरूर से मिले मिले, हो। शारदा हाँ मिस कर रही होगी, वैसे मुझे हिचकियां बहुत आ रही है, आज ही जी सीक्रेट पता चला है मुझे कि मुझे हिचकी आने का रीजन क्या है कि तुम लोग मुझे याद करते हो। चलिए हाँ जी बहुत। शारदा जी अपने बारे में कुछ बताएं और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। मैं मैम से टैरो सीखी हूँ, मतलब मेरे टैरो की जर्नी में मेरे गुरु मैम ही है। और बताएं उसके उसके बारे में बाद कैसे? मैम ने एक बार जिक्र किया था एंजल कोर्स स्टार्ट करने के लिए, तब मुझे इतना मतलब खुशी हुआ कि मैं कब से वेट कर रही थी इस दिन के लिए, क्योंकि मुझे बार बार एंजल नंबर्स दिखाई देता है, हमेशा डेली डेली एटलीस्ट 2-3 बार तो एंजल नंबर्स दिखाई देता है, 555-1111 ये ज्यादा दिखता है मुझे, और 222-444 ये मतलब 2-3 दिन में एक बार ऐसा दिखता है, लेकिन डेली तो 555-1111 दिखता ही दिखता है मुझे। मतलब इस चीज के लिए जानना है कि क्यों दिखता है मुझे, कहीं पे या तो फोन पे दिखता है या फिर कहीं बाहर जाती हूँ तो वहां पे कुछ नंबर प्लेट्स वगैरह ऐसा दिखता है, तो तब मैम ने बोला तो ठीक है एंजल्स अब जाके मतलब मुझे मैम के थ्रू
वो मुझे बताना चाहता है कि क्यों दिख रहा है नंबर्स। बिल्कुल जी, कोशिश रहेगी मेरी कि आपके जितने भी सवाल है ना उनके जवाब एंजल्स आपको मेरे माध्यम से जरूर पहुंचाए, क्योंकि एंजल्स खुद तो बोलती नहीं है, वो किसी ना किसी के माध्यम से ही हमारे से कनेक्ट होती है। और आई होप सो, मुझे पता है शारदा के बहुत सारे सवाल होते हैं तो उनको मैं अच्छे से सेटिस्फाइड कर पाऊँ, और आगे चलते हैं, मिलते हैं एंजल से भी। थैंक यू सो मच शारदा जी, आपने ज्वाइन करा, थैंक यू और मैम, थैंक यू, मैं तो आपको एक ही माय बात बोलती हूँ, और प्लेजर आप सो अर्थ एंजल, क्योंकि एंजल आपको सेलेक्ट कर रही है तो आप नॉर्मल पर्सन तो नहीं हो सकते, ये तो मैम। कंफर्म है। अर्थ एंजल्स हो तभी आपको एंजल्स ने सेलेक्ट किया, और किसी ना किसी पर्पज से सेलेक्ट किया। लेट्स सी, देखते हैं जर्नी में हम आगे कहाँ तक चलते हैं। तो मैम थैंक इसमें यह भी पता चलेगा कि हमारा गार्डियन एंजल्स कौन है। आगे पता चलेगा, आप सबको पता चलेगा आपने बोला था ना एक बार। बिल्कुल पता चलेगा कि आपके गार्डियन एंजल कौन सी है, ये भी हम सीखें। थैंक यू बेटा। ओके थैंक यू। नेक्स्ट मेघा जी। मेघा, मेघा की आवाज इतनी धीरे आती है, कभी खाना खा के नहीं बैठ। अभी ऑफ मेघा, करेंगे ऑक्सीजन लगी हुई है? नहीं, डॉक्टर तुम मैडम रेस्ट करो बेटा, वो तभी मैं पूछ रही थी आपकी हेल्थ कैसी है। अभी अभी क्या रिकवरी नहीं हुई है? उतना नहीं मैम, वो डॉक्टर ने सर्जरी के लिए तो मना कर दिया था ना? अभी तो मना किया है मैम, लेकिन ट्रीटमेंट ही ऑक्सीजन है, ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट ही हाँ। ऑक्सीजन है? अभी हेमोग्लोबिन भी लो है तो ऑक्सीजन पर ही रहने के लिए बोल रहे हैं, देखते हैं स्लोली इम्प्रूव होगा बोल रहे हैं, 1 महीना 2 महीना लगेगा तो बाहर स्लोली होगा। जाना आना डेट इज नॉट पॉसिबल, ट्रेवल तो कर ही नहीं, बाहर जाए तो पार्टीज, वो डांस सब बहुत मिस करते होगे फिर तो। इट बहुत इज मैम एंजल्स इनकी हेल्प करेंगी, रिकवरी इनकी अब बहुत आपको जल्दी होने वाली है, आपको इसका क्या इन कनेक्शन बनेगा तभी बना है, एंजल्स के साथ मिलना, उनका आपकी लाइफ में आना, ये रिकवरी के लिए आ रही है एंजल्स। हॉस्पिटल के लिए भी अपना एंजल लेके गई थी, जो मैम ने दिया था लेके गई बिल्कुल, थी। बहुत सपोर्ट किया होगा एंजल। मतलब अभी उतना मायने ट्रीट समझ में आएंगे एंजल के, आपके साथ साथ हमेशा होती है, बस इन्वोक करना सीखो और अपने लिए बुलाओ। आप लोगों को मिस कर रही थी, कब मिलूंगी आपसे, घर से तो बाहर नहीं जा सकते। चलो, अब देखो तो आपने मिलेंगे। याद किया, थैंक एंजल ने मिलवा दिया। चलो आप यू बेटा, थैंक यू सो मच, ज्यादा रेस्ट बोल करो, आप रेस्ट करो। सुगंधा जी रह गए बस आ गए। इंटेलिजेंट स्टूडेंट और लास्ट में आए सबसे। बैग वेंचर बन गए आज। हाँ यस मैम, ऑल वेल ऑल गुड। सुगंधा, मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ, जैसे तुम मुझे बहुत मिस करते हो मैं भी करती हूँ। मैं अपने सब स्टूडेंट्स को मिस करती हूँ, थैंक यू मैम, मेरी थैंक यू। लाइफ के अंदर वो ऐसे एडॉन है जैसे मेरे बच्चे, जैसे मैं उन्हें याद करती हूँ वैसे तुम लोगों को याद करती हूँ। बताएं अपने बारे ब्लेस्ड में, अपना एक्सपीरियंस। यस। मैं सुगंधा सुनील जोशी मुंबई से हूँ। मैम से मैं, रुबी मैम एंड दीप्ति मैम से मैं लास्ट दिवाली के वेबिनार में मेरा इंटरेक्शन हुआ, और तब से लेके आज तक जो भी मैम ने जो भी कंडक्ट किए बैचेज, जो भी उसमें मैं हमेशा पार्टिसिपेशन करने की कोशिश करती हूँ, और जो भी मॉडलिटी मैम ने सिखाई है उसका यूज करती हूँ एंड हेल्प करने की कोशिश करती हूँ बाकी सभी लोगों को। एंड नाउ आई एम प्लानिंग टू डू टैरो रीडिंग भी, मैं थोड़े दिनों में स्टार्ट करने वाली हूँ मैम, जस्ट लेट मी हैव अ वे ऑन दैट, बस इतना ही। और हम लाइफ टाइम मेंबर है मैम आपके, तो आप सिखाते रहिए, हम सीखते रहेंगे मैम। सुगंधा, यू शी आर इज सो ब्रिलियंट ब्लेस्ड, स्टूडेंट। बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ना, मतलब इतना सा बताओ यहाँ तक फटाफट सारी चीजें, तो सीरियसली सुगंधा डिजर्व करते हो आप क्लास के आगे मॉनिटर होते हैं ना, और बच्चों को भी गाइड करते हैं। बढ़ना। जल्दी जल्दी टैरो स्टार्ट करो, क्योंकि टैरो ने आपको सेलेक्ट कर लिया, बस आप ही लेट हो रहे हो, तो जल्दी से, बिकॉज आई नो डैट कि आप वर्किंग हो, आपका शेड्यूल बहुत बिजी रहता है, तो वर्किंग आवर्स में से टाइम निकालो, अगर सीखा है तो आगे बढ़ो। यस मैम, यस।
गॉड यस ब्लेस यू बेटा, प्रैक्टिस मत छोड़ना थैंक बिल्कुल भी, प्रैक्टिस प्रैक्टिस यू में रहो। नो मैं आ जाती हूँ यस आपके पास अपनी रीडिंग कराने। करेंगे फ्री रीडिंग के अंदर, जिस दिन बोल देगी उस दिन बैठेगी मेरे साथ रीडिंग करने के लिए। वंदना ने बैठना ही है, मनदीप ने उस दिन बहुत अच्छी रीडिंग की थी मेरे साथ, यस एक्सीलेंट। मैम, रणधीर जी तो एक्शन टेकर है, हाँ एक्शन टेकर तो है, बैठ एक्शन लेती है फटाफट। थैंक वंदीप ने कैमरा ऑन कर लिया फटाफट अपना नाम सुनते ही। चपातियां बना रही हूँ, ये कहते हैं भूख लगी है तो मैंने फटाफट चपाती बनाई थी, तभी मैंने कैमरा ऑफ कर दिया। मैम ने कहना है देख लो नहीं किचन में नहीं होती। रात में भी चपाती, शाम के 5 बजे भी चपाती, समझ नहीं आया मतलब क्या शेड्यूल है खाने का। ठीक जब जिसको भूख लगती है वो उसी टाइम बोल देता फिर बस किचन। है। हाँ एक मदर का यही काम है ना, किचन में ही संभाल, सारा दिन सबको संभालते रहना है ना। चलो अच्छी चीज है, लगे रहो अभी किचन में। हो कोई रह गया कि सब हो गए? गए मैम। 17 चलिए, आज हमारा इंट्रोडक्शन का था, आज का मैंने क्लास ही इंट्रोडक्शन के लिए रखी थी। और आप में से कोई अगर मुझसे कोई सवाल पूछना चाहे तो पूछ सकता है, किसी भी रिगार्डिंग मेरे बारे में, रूबी जी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं। और उसके बाद आज का सेशन हम यहीं पर ही क्लोज करेंगे। चलिए रूबी जी भी स्पॉटलाइट पे आ गए, मैं भी, आपका कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछ, क्लास के रिगार्डिंग, हमारे रिगार्डिंग कुछ भी पूछना चाहते हैं। मैम अगर कल से क्लास 3 o'clock को स्टार्ट होगा कल से क्लास 3 o'clock स्टार्ट, एक्चुअली ना? कल ओके हमारे थैंक यहाँ सत्संग का एक यू। बहुत बड़ा सेलिब्रेशन था और कल शायद बहुत सारे बच्चों ने लिए ओके भी वेट किया। मैंने डाला था कि मैं लिंक शेयर करूंगी बट मैं नहीं कर पाई, क्योंकि हमारी लाइफ में तो जो होता है गुरु जी की मर्जी से होता है और सच में गुरु जी ने परमिशन नहीं दी। कल मेरे यहाँ पे एक मतलब मोबाइल लगाने की भी स्पेस नहीं थी कि मैं कहीं पर भी उसे होल्ड करके लाइव चला पाऊँ। मतलब इतनी संगत थी कि मेरे को वो भी नहीं पॉसिबल था कि मैं कहीं पर लगा के स्पेस लेके वो कर पाऊं। वो सब उनकी मर्जी से होता है, मैं सॉरी बोल सकती हूँ। और आज हैट्रिक इसलिए हो गया क्योंकि कल का पूरा दिन बिजी था और आज सुबह सारी चीजें दोबारा से स्टार्ट करने में थोड़ा सा लेट हो गया। कल से 3 बजे ही हम, 3 से 4 क्लास रहेंगे ओके और प्रॉपर कल से ओके क्लास स्टार्ट हो जाएगी। पीडीएफ आपको साथ में मिलेंगे, लेकिन मैं क्लास के साथ साथ पीडीएफ शेयर नहीं करूंगी, वो हमें लास्ट में सारे मिलेंगे, ओके इम्पोर्टेंट थैंक डेली मिलेंगे। यू। नोट्स जरूर बनाना, नोटपैड पेन लेके बैठना, जो बताया जाए उसको राइट डाउन करना, क्योंकि जो पीडीएफ होते हैं ना उसको बाद में वो फिर बस पीडीएफ में ही रह जाते हैं, अपने हैंड नोट्स जो सबकॉन्शियस में रह जाए। आप सबसे रिक्वेस्ट है अपने नोट्स जरूर बनाना, ओके ठीक है? मैम, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं हम पता है कि रिकॉर्डिंग मैं बार बार नहीं सुन तुम्हारे सकते। हैंड मेकिंग नोट्स पे बिलीव करती हूँ और डेफिनेटली आपको वो हेल्प करते होंगे। आप 10 बार पढ़ते होंगे उसे, 10 बार देखते होंगे, क्योंकि वो हमारे हाथ की राइटिंग है ना, और जब हम लिखते हैं ना वो हमारे यहाँ सबकॉन्शियस में फीड हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग कल मिलेंगे 3 बजे, कल से हमारा रेगुलर क्लास सेशन स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का, दिल से शुक्राना ट्रस्ट करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू एंजल, थैंक यू एंजल, मैम थैंक्स। हाँ मैम, मुझे एक बोलना था मैम। दरअसल है ना, मुझे काफी दिन, आपके गुरुजी है ना, मुझे हर जगह पे और फोन नंबर पे भी, जैसे दिल्ली से मुझे किसी का कॉल आया था ये कॉल सेंटर से, तो वहां पे भी गुरुजी का फोटो दिख रहा है। फिर मैं यहाँ कहीं गई थी शॉप में, वहां भी मुझे गुरुजी का फोटो दिख रहा है। तो अभी मुझे सडनली याद आ रहा, आप जैसे बोल रहे थे ना, तो काफी जगह पे मेरे मुझे उनका फोटो दिखाई दे रहा है, सडनली दिखाई दे रहा है, मतलब मैं जिनको नहीं भी जानती हूँ उनके बेटा पास भी उनको। आपने आपने अभी क्या बोला कि आप सच में पेन में थे पापा के लिए या जो भी था, हम उन्हें बिल्कुल फादर मानते हैं, आज प्रेजेंट भी वो हमारे साथ है। तो जब हम तकलीफ में हैं या दर्द में हैं तो एंजल्स हमें किसी ना किसी के साथ कनेक्ट जरूर करते हैं, तो आप यस एज ए फादर वो ब्लेस कर रहे हैं, उनकी ब्लेसिंग्स आप तक पहुंच रही हैं। जितनी बार भी आप उन्हें देखते हो थैंक यू पापा बोला करो, देखो लाइफ में कैसे आगे बढ़ना शुरू हो जाओगे, कैसे हील होना शुरू हो जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। जब जब दिखा ओके करें तो थैंक यू पापा बोला करो। ओके मैम, थैंक यू पापा। ओके हमारे डेफिनेटली गुरु जी हमारे थैंक गुरु यू। का है। हाँ हाँ वही, काफी जगह दिख रहे थे, तो अभी सडनली मैम ने जब बोला था तभी मुझे याद नहीं आया, तो अभी मैंने गुरुजी का मैम के पीछे फोटो देख, तो फिर मुझे सडनली याद आ रहा था कि कितनी स्वरूप जगह उनका गुरु फोटो जी का दिख रहा स्वरूप,
जी हाँ, तो सब उन झूठ बोलते हैं। अब आप धीरे धीरे कनेक्ट हो रहे हो, तो हम फोटो नहीं बोलते, ये साक्षात हैं, हमेशा अच्छा रहेंगे, गुरु जी का स्वरूप। ओके मैम, ओके गुरु जी का स्वरूप, ओके थैंक यू। और दीप्ति मैम मुझे प्लीज आप कॉल करना मुझे, अगर आप फ्री होंगे तो मुझे एक अर्जेंट काम था आपसे। ठीक है, कॉल हाँ करना। हाँ ठीक है, ओके मैम, थैंक यू, थैंक जी थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच रूबी जी, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आगे से अपने आप को अर्थ एंजल ही बोलोगे आप, और वैसे ही फील करोगे, क्योंकि एंजल्स आपको वो फील करा रही है। ठीक है, थैंक यू यस, अर्थ एंजल्स, बाय, कल मिलते थैंक यू मैम, हैं। थैंक यू, थैंक थैंक यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।